यह समय है अमरवाड़ा के कंधों पर सबसे भारी बोझ का। आपकी जुम्मेवारी देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अभी वो व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी 50 साल छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा के विकास के लिए पूरी जवानी दे दी, पर रिजल्ट निकला तो हम समझते हैं कि उनका सम्मान भी बढ़ा। सही है कि गलत? ये हमारे जो यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं का खून इसमें खोलना चाहिए। अगर उस हाथ का बदला लेना हो, अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नकेल कसना हो, पूरे देश में मोदी के अहंकार का नाश हुआ है पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, अगर उसको भी देश में अपनी देश की भावना से अपनी भावना मिलानी हो, तो इस बार अमरवाड़ा से कांग्रेस के पंजे को भारी बहुमत से हम सब दिन रात एक करके जिताएंगे। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? साथियों, जैसा भी मुझसे पहले कह रहे थे, सरकार नहीं बदलेगी, बीजेपी की सेहत पे कोई असर भी नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है और बढ़ेगा। एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें दलाली और कमीशन न हो। आप टोल देख लो परिवहन के, आप माफियाओं की शराब देख लो, रेप देख लो, आप जो भ्रष्टाचार वल्लभ भवन में होता है पांचवी मंजिल पर, इतना भ्रष्टाचार कभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं वो अलग से लूटता है और मुख्यमंत्री ऑफिस अलग से लूटता है। अद्भुत कल्पनी करप्शन। अगर उस पर नकेल कसनी हो तो फिर आपको अमरवाड़ा से कांग्रेस और हाथ के पंजे के प्रत्याशी को जिताना होगा। अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की इसमें पराजय हुई है। इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में थे, उसमें भी आपने 7 विधायक दिए थे। अमरवाड़ा का भी विधायक कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी का आपने दिया था। दुर्भाग्य से वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। साथियों, बहुत भारी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर। यहां उपस्थित सभी परिवारजनों पर, मंच पर विराजित सभी नेताओं पर, जो हमारे यहां विधायक बने उन पे, जो हमारे वरिष्ठ हैं उन पर, अभी उमंग सिंघार जी ने जो बातें कही, जो आगाज किया लड़ाई की बात की, संघर्ष की बात, सचिन मीणा ने की, सुखदेव पालसे जी ने की, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने की, हमारे तिवारी जी और सारे निले से लेके, हमारे संजय भैया से लेके, सभी मेरे साथी नारायण पट्टा से लेके, मेरे भाई चैन सिंह बरकड़े से लेके, सोहन वाल्मीकि से लेके, सुनील जिन्होंने अपने भाषण में किया कहा कि जंगल के कौवे मोर हो गए हैं, जो ईमानदार और समझदार थे वो चोर हो गए हैं। हर ऑफिस में चपरासी से लेके मंत्री तक कमीशन यही बोला था। मैं मानता हूं कि सभी सम्मानित विधायक हमारे, वो चाहे नीलेश हो, चाहे सुजीत भैया हो, चाहे हमारे अर्जुन काकोड़ जी पूर्व विधायक हो, चाहे हमारे डाडी वाले भैया कहा गए उनके जी नामदार जतिन भैया ना दिख नहीं रहा, सारी हमारी महिला कांग्रेस की बहनें, सभी परिवार के साथी, मैं नाम में नहीं जाऊंगा, सब क्षमा करना, मैं अभी 10 दिन आपके बीच में ही रहूंगा इस चुनाव में। किसी के घर खाना खाएंगे, किसी के घर चाय पियेंगे, किसी से बातें करेंगे, पर महल को के अहंकार को गिरा के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर जीतू के साथ विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनके गुरुवार को इनवाती के साथ आने की उम्मीद थी, हालांकि मौजूद नहीं थे। कमलनाथ ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमरवाड़ा के लोगों से इनवाती का समर्थन करने की अपील की। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार कमलेश शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। कांग्रेस से भाजपा में आए कमलेश शाह अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिससे उपचुनाव की जरूरत पड़ी। शाह का अमरवाड़ा सीट पर अच्छा प्रभाव है। वहीं दूसरी तरह नकुलनाथ के छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस हैं, इसका फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। भाजपा के कई नेता अमरवाड़ा जीतने की रणनीति बना रहे हैं, उसके तहत काम भी किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि शाह चुनाव जीतकर इस सीट पर कमल खिलाएंगे। जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा की जनता से कहा कि अब आप लोगों पर भारी जिम्मेदारी है। जीतू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा की धरती ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ देकर आदिवासियों के सम्मान को जीवित रखा है। जो कलंक बीजेपी के षड्यंत्र से लगा है, उसका करारा जवाब देने को अमरवाड़ा के एक एक लोग तैयार हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को सम्मान दिया है। विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से कई विधायक चुने गए, लेकिन चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। अब आप लोगों पर भारी जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि पूरे देश में बीजेपी को झटका लगा, लेकिन मध्य प्रदेश से ऐसा नहीं हुआ। हमें बीजेपी के अहंकार को तोड़ना होगा और हम इनके अहंकार को तोड़कर रहेंगे। उपचुनाव के लिए अब 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 21 जून को नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 24 जून को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। इसके बाद 26 जून तक नाम वापस लिया जा सकता है। वहीं मतदान 10 जुलाई को होगा और चुनाव के परिणाम 13 जून को आएंगे। अमरवाड़ा सीट के इतिहास की बात करें तो 1951 से लेकर अब तक भाजपा यहां सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। 1990 में भाजपा के मेहमान शाह उइके इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जबकि 2008 में प्रेम नारायण ठाकुर चुनाव जीते थे। इससे पहले एक बार 1967 में भारतीय जनसंघ के एसडे ठाकुर ने चुनाव जीता था। 1951 से 2023 तक यहां 14 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें 11 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस यहां मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी को यहां बड़ा झटका लगा है।